नमस्कार आप सभी को। आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि एमपी बीएड एडमिशन फॉर्म 2023 कैसे अप्लाई करें, एमपी बीएड फॉर्म कैसे अप्लाई करें उसके बारे में पूरी जानकारी, फॉर्म भरने की जानकारी स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा, रजिस्ट्रेशन और चॉइस के लिंक के साथ में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर आ गए हैं हम एमपी बीएड एडमिशन के होम पेज पर। देख सकते हैं यहाँ पर डिपार्टमेंट ऑफ हायर एजुकेशन, आपको अगर यह लिंक मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है उससे चले जाइएगा। चलिए शुरुआत से हम देखते हैं। जैसे सर्च करेंगे HEDMP ऑनलाइन सर्च करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से खुलेगा। इसके बाद NCTE कोर्स पर क्लिक करके यहाँ पर आप इसे आगे जा सकते हैं। यहाँ पर जाएंगे आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज खुलेगा और बीएड का रजिस्ट्रेशन करना है तो इस पर क्लिक करेंगे और इसका अगर वेरिफिकेशन स्टेटस चेक करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और अगर उसका चॉइस फिलिंग करना है तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। सारी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए क्लिक करके हम रजिस्ट्रेशन अप्लाई करते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं हमने बीएड पर क्लिक करके अप्लाई कर दिया है। यहाँ पर आ गया, नाम लिखे, सरनेम लिखे, यहाँ पर पिताजी के नाम लिखे, माताजी के नाम लिखे, जन्मतिथि, मैरिड अनमैरिड आ गया और यहाँ पर जेंडर आ गया, यहाँ पर डोमिसाइल आ गया, रिलीजन आ गया, कैटेगरी आ गई और कोई अगर आपका स्पेशल रिजर्वेशन क्लास है तो यहाँ पर डाल सकते हैं। अगर जो एमपी के यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता का स्तर आ गया और निवास का क्षेत्र रूरल या अर्बन, इसके बाद कैप्चा फिल करके आगे बढ़ाना है। यहाँ पर हमने पूरी जानकारी भर लिया है, कैप्चा फिल करके आगे बढ़ाएंगे। हमने जानकारी भरने के बाद पूरा अच्छे से चेक कर लिया और चेक करने के बाद कैप्चा फिल करके हम आगे बढ़ाएंगे तो हमारा इस प्रकार से रजिस्ट्रेशन आ जाएगा। और यहाँ पर जो नीचे है, यहाँ पर देख सकते हैं कि नीचे पूछ रहा है कि आपसे कि बीएड करना चाहेंगे तो बीएड पर टिक करेंगे, एमएड करना चाहेंगे तो एमएड पर टिक करेंगे, बीएड करना चाहते हैं तो बीएड पर टिक करके इसको ध्यान से पढ़ लेंगे कि आपका क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन होना चाहिए, वो भी 50% यानी 50% से ज्यादा होना चाहिए। यहाँ पर उसका पूर्णांक भरेंगे और यहाँ पर उसका प्राप्त अंक भरेंगे। अगर बीएड करना चाहते हैं इसमें और एमएड करना चाहते हैं तो इसमें बीपीएड और बाकी कोर्स का भी दिया हुआ है। यहाँ पर मेन रूप से हम यहाँ पर बीएड का बता रहे हैं तो यहाँ पर पूर्णांक भरेंगे जिस आधार पर, यानी स्नातक के आधार पर करना चाहते हैं स्नातक का पूर्णांक डालेंगे और अगर स्नातकोत्तर के आधार पर करना चाहते हैं स्नातकोत्तर का पूर्णांक डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर इतना करने के बाद आप यहाँ पर आगे बढ़ेंगे। यहाँ पर इतना भरने के बाद यहाँ पर फोटो अपलोड करेंगे, फोटो अपलोड करने के बाद यहाँ पर एड्रेस लिखेंगे, एड्रेस लिखने के बाद नीचे ऑप्शन आएगा यहाँ पर टिक करके, घोषणा टिक करके इसके बाद आपको नेक्स्ट पर क्लिक करना है। यहाँ पर घोषणा पर टिक करके नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं। जैसे ही घोषणा पर टिक करके आगे बढ़ते हैं हमारे सामने इस प्रकार से आएगा। यहाँ पर हमको अपना सभी अंक सूची अपलोड करना होगा, यानी कि जैसे दसवीं की अंक सूची, क्वालिफिकेशन में स्नातक का जो भी जिस आधार पर बीएड हम करेंगे, इसके बाद मूल निवासी प्रमाण पत्र और अगर आप कैटेगरी से हैं तो कास्ट सर्टिफिकेट भी अपलोड करना पड़ेगा। चलिए हम यहाँ पर बारी बारी से अपलोड कर देते हैं। आप यहाँ पर 125 केबी के अंदर ही अपलोड करना होगा। हम बारी बारी से अपलोड कर देते हैं, फिर मिलते हैं वीडियो स्किप करके। हमने यहाँ पर सारी मार्कशीट अपलोड कर दी है, यहाँ पर टिक करके सारे पर टिक करना है। यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है, इसके बाद टिक करने के बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करना है। सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक करने पर सारे में यहाँ पर मुझे स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। क्लिक करने के बाद जैसे ही हम यहाँ पर देखिए सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक किए, यहाँ पर हमारे सामने इस प्रकार से आया, भुगतान नहीं है, यानी कि यह रजिस्ट्रेशन हो चुका है, यानी भुगतान नहीं। यहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर हमारे पास आ चुका है, इसको कॉपी करके रख लेना है और भुगतान नहीं है लिखा हुआ तो हम अब उसको हमें पेमेंट करना है। यहाँ पर प्रिंट करें या पेमेंट करें, नीचे प्रिंट का बटन के बाद नीचे प्रोसेस टू पेमेंट का आ रहा है। यहाँ पर हम चेक कर लेते हैं कि सारी जानकारी सही है, जो भी डॉक्यूमेंट हमने अपलोड किया है वह सारा कुछ सही है कि नहीं है, वह अच्छे से चेक कर लेते हैं। चेक कर लेने के बाद यहाँ प्रिंट बटन पर दबाएंगे, हम प्रिंट भी कर सकते हैं। नीचे प्रोसेस टू पेमेंट का ऑप्शन है, वहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट करके हम यहाँ पर रीड इंस्ट्रक्शन करने के बाद हम पेमेंट का ऑप्शन पर आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर एमपी ऑनलाइन खुल चुका है। इस प्रकार से हम यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट पर अपना पेमेंट करते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से पेमेंट हो गया और हमारा यहाँ पर देख सकते हैं, भुगतान है हो चुका है। अब यहाँ पर इसको प्रिंट कर सकते हैं, जो भी हमारा यहाँ पर देख सकते हैं पूरा भुगतान हो चुका है, भुगतान है लिख के आ चुका है, हमारा भुगतान हो चुका है। अब इसे प्रिंट कर लेंगे, प्रिंट करने के बाद हम चलेंगे चॉइस फिल लिंक की तरफ। ठीक है, हमारा रजिस्ट्रेशन इसी प्रकार से कम्प्लीट हो गया है, अब चॉइस फिल लिंक की तरफ बढ़ेंगे हम। चलिए अगला पेज दिखाते हैं आपको चॉइस फिल लिंक कैसे होगा। अब हम फिर से आएंगे, यहाँ पर देख सकते हैं फिर से आएंगे उसी होम पेज पर। यहाँ पर फिर NCTE कोर्स पर क्लिक करेंगे, NCTE कोर्स पर क्लिक करने के बाद हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा। फिर से यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर चॉइस फिलिंग वाले इस बीएड चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे, टू ईयर पर। जैसे ही क्लिक करेंगे हमारे सामने कुछ पेज खुलेगा, क्लिक करने के बाद थोड़ा समय ले रहा है, समय लेने के बाद पेज खुलेगा। प्रवेश प्रक्रिया पर जाएंगे, प्रवेश प्रक्रिया पर जाने के बाद हमारे सामने इस प्रकार से खुलेगा। प्रवेश प्रक्रिया पर जाने के बाद नीचे यहाँ पर ऑप्शन आ रहा है चॉइस फिलिंग फॉर फर्स्ट राउंड, चॉइस फिलिंग फॉर फर्स्ट राउंड, जहाँ पर 25 से 30 मई दिख रहा है, यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे और हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुलेगा, जहाँ पर रजिस्ट्रेशन नंबर और जन्मतिथि मांगा जाएगा। यहाँ पर आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि मांगा जा रहा है, हम यहाँ पर आवेदन क्रमांक और जन्मतिथि फिल कर देते हैं। यहाँ पर आवेदन क्रमांक हमने पेस्ट कर दिया, जन्मतिथि फिल करते हैं। जन्मतिथि भरने के बाद हम यहाँ पर
कैप्चा भरेंगे, कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। कैप्चा फिल करने के बाद हम कंटिन्यू बटन पर क्लिक करते हैं। कंटिन्यू बटन पर क्लिक करने के बाद थोड़ा सा प्रोसेस लेगा, इसके बाद खुलेगा हमारे सामने कुछ इस प्रकार से खुल गया है। चॉइस फिलिंग में आगे बढ़ने के लिए यहाँ पर सब कुछ जानकारी चेक करने के बाद देख लेंगे अच्छे से। सेंड ओटीपी पर क्लिक करेंगे, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर ओटीपी चला जाएगा और ओटीपी डालने के बाद हम चॉइस फिलिंग कर पाएंगे। जानकारी आप अच्छे से चेक कर लीजिएगा। ओटीपी सेंड सक्सेसफुली लिख दिया है यहाँ पर। ओटीपी डालने के बाद हम यहाँ पर प्रोसेस टू चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे। जैसे ओटीपी आ रही है हमारे में, हम ओटीपी डालेंगे और प्रोसेस टू चॉइस फिलिंग पर क्लिक करेंगे। हमने ओटीपी दर्ज करने के बाद प्रोसेस टू चॉइस फिलिंग बटन पर क्लिक किया, हमारे सामने अभी इस प्रकार से आ रहा है। अच्छे से देख लेंगे यहाँ पर सुनील जो भी यहाँ पर नाम दिख रहा है, यहाँ पर दे रहा है कि कॉलेज जिले वाई कॉलेज सेलेक्ट करें। हम सिंगरौली जिले से हैं, सिंगरौली की कॉलेज जो शो कर रही हैं उनको हम यहाँ पर सेलेक्ट करते हैं, अपने इच्छा अनुसार कॉलेज सेलेक्ट कर लेंगे। हमने सिंगरौली जिले की तीनों कॉलेज को सेलेक्ट कर दिया, आगे जो भी हमारी इच्छा होगी उस कॉलेज को सेलेक्ट करेंगे। कम से कम आप यहाँ पर 10 कॉलेज जरूर सेलेक्ट करेंगे। हमने चलिए सिंगरौली जिले की सेलेक्ट किया, अब सीधी जिले की कुल मिला के 10 कॉलेज पूरी करनी है तो हम 10 कॉलेज यहाँ पर पूरा कर देते हैं। देख सकते हैं यहाँ पर कुल मिला के अभी 8 कॉलेज हुई हैं, कुल मिला के अब 10 कॉलेज पूरा करते हैं। चलिए रीवा जिले के बीच कॉलेज चुन देते हैं। यहाँ पर हमने कॉलेज चुन दिया रीवा जिले के भी। रीवा जिले की कॉलेज चुनने के बाद अब हमारे पास देख सकते हैं 20 कॉलेज चुन दिया। इसके बाद सबमिट लिस्ट प्रेफरेंस पर क्लिक करेंगे। अच्छे सब देख लेने के बाद कि हमारे कॉलेज की प्राथमिकता क्रम सही है। इसके बाद यहाँ पर जैसे हम टिक करेंगे, इसके बाद यहाँ पर टिक करने के बाद लॉक टू चॉइस टू प्रोसेस टू पेमेंट पर क्लिक करेंगे, यानी चॉइस लॉक हो जाएगा और पेमेंट के लिए आगे बढ़ जाएगा। देख लेंगे अच्छे से कॉलेज का प्रेफरेंस। यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा चॉइस फिलिंग हो चुकी है। भुगतान के लिए आगे बढ़ेंगे, 50 रुपए का भुगतान करना होगा। चॉइस फिलिंग के बाद यहाँ पर देख सकते हैं भुगतान के लिए आगे बढ़ रहे हैं। यहाँ पर फिर हमें पेमेंट करना होगा। पेमेंट करने के लिए फिर उसी प्रकार से हमारा लॉगिन पेज पर आ जाएगा। आप किसी भी माध्यम से फोन पे गूगल पे के माध्यम से भी पेमेंट कर सकते हैं। यहाँ पर हम यहाँ पर प्रोसेस टू पेमेंट करके आगे बढ़ते हैं। अभी इसी वीडियो में आपको बताऊंगा यह भी कि आप वेरिफिकेशन स्टेटस कैसे चेक कर सकते हैं। हमारा देख सकते हैं यहाँ पर यह जो है हमारा चॉइस फिलिंग का पेमेंट हो चुका है। अब इसे प्रिंट करके रख सकते हैं। चॉइस फिलिंग का पेमेंट हमारे सामने हो चुका है, इसे प्रिंट करके रख सकते हैं। देख सकते हैं इस प्रकार से चॉइस फिलिंग का पेमेंट होता है, इस प्रकार से दिखता है। यानी दो हमारे पास दो स्लिप आ चुकी है। यहाँ पर देख सकते हैं जो ये पहला रजिस्ट्रेशन का था, दूसरा चॉइस फिलिंग का। रजिस्ट्रेशन का भी और चॉइस फिलिंग का भी हमने आपको दिखा दिया है कि दोनों का पेमेंट कैसे होता है। हमारे सामने दोनों की प्रिंट आ चुका है। अब चलिए आपको दिखाते हैं कि वेरिफिकेशन स्टेटस कैसे चेक करेंगे। इसके बाद आपको कॉलेज में जाना है और कॉलेज में जाने के बाद वेरिफिकेशन कराना है। वेरिफिकेशन कराने के लिए कॉलेज में जाएंगे और सारा डॉक्यूमेंट ओरिजिनल दिखाएंगे और वेरिफिकेशन कराएंगे। वो भी आपका जैसे कि रजिस्ट्रेशन का टाइमिंग है आपके पास 25 से 30 तारीख, तो चॉइस फिलिंग की टाइमिंग भी 25 से 30 तारीख यानी 31 तारीख तक होगा। यहाँ पर एनसीटी कोर्स पर जाएंगे और इसी वेबसाइट पर या लिंक डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से भी जा सकते हैं। नीचे स्क्रॉल करेंगे, यहाँ पर देख सकते हैं कि चेक वेरिफिकेशन स्टेटस दिखा हुआ है। यहाँ पर चेक वेरिफिकेशन स्टेटस, यहाँ पर जैसे ही जाएंगे यहाँ पर अपना एप्लीकेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ और कोर्स डालेंगे बीएड एमएड। जैसे ही क्लिक करेंगे गेट डिटेल पर क्लिक करेंगे, हमारे सामने वेरिफिकेशन का डिटेल खुल जाएगा कि हमारा सत्यापन हुआ है कि नहीं। ध्यान रखेंगे कि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ रहेगा तभी आपको कॉलेज अलर्ट होगी, अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है तो कॉलेज अलर्ट नहीं होगी। वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताइएगा। अच्छा लगेगा दूसरे को भी शेयर करिएगा, चैनल सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। नमस्कार।